राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गोलघर स्थित गांधी आश्रम पर वहां के कर्मचारियों ने चरखा से सूत काटकर गांधी जी को नमन किया। गौरतलब है कि देश में स्वदेशी आंदोलन को जन्म देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरखा काटकर सूत बनाने का काम किया था और लोगों से खादी वस्त्र अपनाने की अपील की थी, जिसको देखते हुए पूर्व की सरकारों ने गांधी आश्रम वस्त्र भंडार को जगह जगह पर स्थापित किया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर शनिवार को गांधी आश्रम के कर्मियों ने चरखा से सूत काट कर उन्हें नमन किया और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसके संबंध में गांधी आश्रम के व्यवस्थापक अभिमन्यु सिंह ने कहा कि खादी का मुख्य उद्देश्य है कि हर घरों में चरखा हो, लोग अपना तन ढकने के लिए वस्त्र तैयार करें। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने खादी को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में सारे जगहों से चंदा इकट्ठा करके गांधी आश्रम की स्थापना करके इसको बढ़ाने के लिए योगदान दिया था। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से सभी प्रकार के खाद्य वस्तुओं पर 25% की छूट दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गांधी आश्रम के व्यवस्थापक अभिमन्यु सिंह ने कहा, आज गांधी जी का जन्मदिन गांधी आश्रम में, आज इसकी स्थापना के सैकड़ों वर्ष पूरे हो रहे हैं और गांधी आश्रम गांधी जी की जयंती हर वर्ष 2 अक्टूबर को अपने प्रांगण में ही मनाता है और उसका मुख्य कार्यक्रम चरखा है और चरखे के द्वारा ही खादी का सारा काम शुरू होता है, काटने से लेकर बुनाई तक का काम, बुनाई से करके काउंटर पर आता है। यह गरीबों को रोजगार देने के परख यह खादी कार्यक्रम गांधी ने शुरू किया था और गुलामी में जब सारे देश में सारी फैक्ट्रियां कपड़े की अंग्रेजों के हाथ में थी, उन्होंने सन 1920 में यह कार्यक्रम शुरू किया बनारस कि कम से कम हम अपना उत्पादन करेंगे तो अपने तन ढकने के लिए वस्त्र का, तो हर घरों में चरखा हो, सब लोग कताई करें और बुनाई करें जो अपने पहनने के लिए वस्त्र तैयार करें। खादी का मुख्य उद्देश्य यही थी और गांधी ने खादी को बढ़ावा देने के लिए देश में सारे जगहों से चंदा इकट्ठा करके गांधी आश्रम की स्थापना में इसको बढ़ाने के लिए योगदान दिया है। इसीलिए सरकारें भी योगदान करती हैं और खादी महंगा पड़ता है क्योंकि हाथ का काम होता है, इसमें पावर का काम नहीं होता है, इसलिए कुछ महंगा पड़ता है, लेकिन शुद्ध खादी अपने देश प्रदेश बनती है और खादी को बनाने के बाद हम देखते हैं उसी से हमारा, तो मुख्य हमारा काम खादी बनाना और बेचना है। हम खादी बनाते हैं और बेचते हैं और बनाना का मुख्य काम हम गांव से गांव की कतने बुनकर कोई कपड़ा बुनते हैं और कताई सूत धागे की कतने करती हैं काम, इसके बाद हम काउंटर पर ले आते हैं, काउंटर पर बेच करके जो रोजगार के लिए एक परक रोजगार परक संस्थान है जो गांव के गरीबों के लिए होता है, तो वही कार्यक्रम के अंतर्गत हम खादी उत्पादित करके और फिर अपने काउंटर को बेचते हैं जो हम जनता के अंदर उपलब्ध कराते हैं और सरकार भी योगदान करती है। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के अवसर से 25% छूट देने का सभी प्रकार के खादी वस्त्रों पर ऐलान हो गया है। अब आज से हम 25% छूट सभी प्रकार के खादी वस्त्रों पर ऊन कंबल रेशम जो भी बनाते हैं वो सब हमारे पास कलेक्ट है और भेजते हैं जो जनता तक पहुँचते हैं।